अभी जी आपको बारिश में भीगना अच्छा लगता है? हाँ, हम बचपन में बारिश में बहुत भीगते थे, भीगते ही रहते थे। भाभी जी, मुझे ये बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। आइए हम दोनों साथ में भीगते हैं बारिश में। वो कहा ना, लड्डू के भैया को अच्छा ना ही लगता तो हम ना ही भीगेंगे। आहा बिटिया, जब इस सुप्रीम कोर्ट तुमको ऑर्डर दे रहा है तो बैल की परवाह मत करो ना, भीगो। जी हाँ भाभी जी, अगर आप हमारे हाथ के बने प्याज के पकौड़े खाएंगी ना तो पकौड़ों के साथ साथ प्लेट भी चट कर जाएंगी। क्या बात है, फिर तो जरूर खाएंगे। लेकिन तिवारी जी, एक शर्त है, पकौड़े जब बने ना तो बारिश होनी चाहिए, अगर बारिश नहीं होगी तो नो पकौड़े। भाभी जी, हम बारिश और पकौड़े, आहा क्या शानदार दृश्य होगा। आहा क्या बदतमीजी है? अरे गर्म पानी डाल के हमारा सारा का सारा सर जला दिया आपने। भैया ठंडा पानी डालते तो एलर्जी हो जाती ना आपको। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग तो भैया मेरा पहले से खराब है। अबे वो तो हमें भी पता है, लेकिन पानी क्यों डाला हमारे सर पे? अरे भैया बेहोश हो गए थे ना खड़े खड़े, मैंने बहुत सारी आवाजें भी दी आपको पर आप होश में आए नहीं, इसलिए फिर ये खौलता हुआ पानी डाला मैंने आपके ऊपर। अबे तो ये खौलता हुआ गर्म पानी क्यों डाल दिया हमारे सर पर? अरे भैया वो विभूति भैया भी खड़े खड़े हो गए थे बेहोश, मैंने उनके ऊपर ना ठंडा पानी डाला तो उन्होंने कहा कि ठंडे पानी से एलर्जी है उनको। अबे तो खौलता हुआ गर्म पानी भभूति जी के सर पर डालना चाहिए था ना पगलैट, हमारे सर पे क्यों डाल दिया? I like it. पकौड़े का मसाला पहले से तैयार करके रख लेते हैं, फिर जैसी बारिश आएगी पकौड़े तल लेंगे और गर्मा गर्म पकौड़े भाभी जी को खिलाएंगे। वाह क्या दृश्य होगा, बिल्कुल किसी कवि की कविता की भांति मनोरम सुंदर। परंतु उसके लिए हमें अंगूरी को किचन से टरकाना होगा, क्योंकि अंगूरी अगर हमें किचन में काम करते हुए देखेगी तो उसके बेहोश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने हमें किचन में कभी काम करते देखा नहीं है, तो सवालों की झड़ियां लगा देगी कि हम पकौड़े किसके लिए तल रहे हैं, क्यों तल रहे हैं। इससे अच्छा है कि इसे यहां से तुरंत टरका दिया जाए। खाना बनाने में तुम्हारी मदद करने के लिए पधारे हैं पगली। लड्डू के भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है का? एकदम तंदुरुस्त है पगली। तो काहे ऐसी बातें कर रहे हैं आप? का है ना, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमारी अंगूरी बेचारी दिन भर किचन में काम करती रहती है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, तो क्यों ना हम आज खाना बनाने में उसकी मदद करें। अरे ऐसी बातें काहे कर रहे हैं आप? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भभूति जी को देखो, सारा दिन घर में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, भाभी जी को किचन में घुसने तक नहीं देते। और एक हम है, हमारी अंगूरी की प्याज और लहसुन तक काटने में मदद नहीं करते। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? क्या बोलिए? मतलब है कि हमारा कुछ दिमाग ही काम ना ही कर रहा है आपको ऐसे देख के, कुछ सूझ ही ना ही रहा है, कुछ समझ ही ना ही आ रहा है।
रिलैक्स पगली रिलैक्स, हमारी भावनाओं की कुछ कदर करो। कहा है ना कि हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं। वो इमोशनल नहीं, इमोशनल होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो अब जल्दी से हमें ये प्याज और लहसुन दो, हम काट देते हैं। तब तक तुम बेडरूम में जाकर भोजपुरी फिल्म देखो, वो भाभी जी की लचीली कमरिया। जाओ। नहीं नहीं, हम कहीं ना ही जाएंगे, हम आपको प्याज टमाटर काटते हुए देखना चाहते हैं। अरे देखने में कहा, जैसे दिखते हैं वैसे ही तो दिखेंगे। जाओ ना अंगूरी, हम कह रहे हैं ना। अब अच्छा ठीक बा, जाते हैं जाते हैं। जाओ। प्याज को बहुत बारीक काटिएगा। हाँ ओके पगली। और लहसुन को बड़ा रखिएगा। ओके पगली। और ये मिर्ची है ना, उसको खड़ा काटिए। ओके पगली। और हाँ, अदरक को मिक्सी में पीसिएगा और उसमें जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला सारा डाल के फिर उसके उंगली पकड़ने को कभी पूरा खाना एक्सपेक्ट कर रही हो? चल जाओ यहाँ से। हाँ ठीक बा। फिर से एक्सेलेटर शुरू हो गया। चलो भाई अपना काम कर लो, अब जल्दी से पकौड़ों का मसाला तैयार किया जाए। किसके लिए पकौड़े बनाए जा रहे हैं भैया? ये चोंच कहाँ से आ गई? हमने कहा किसके लिए पकौड़े बनाए जा रहे हैं भैया? अबे पकौड़े नहीं बना रहे हैं, प्याज और लहसुन काट रहे हैं तुम्हारी भाभी माँ के लिए। तो फिर मन में क्यों बोले कि पकोड़े का मसाला तैयार किया जाए? अबे मन में तो हमारे ये भी आ रहा है कि तुम्हारी सुताई की जाए, तो सूते क्या? तो फिर हमारे मन में भी आ रहा है कि हम मम्मा को बोल दे कि आप भाभी माँ से चिप चिप कर किसी और के लिए पकोड़े बना रहे हैं। बोल दे का बेटा लड्डू, हमने तुम्हारे लिए बरसात के लिए बहुत अच्छे जूते देखे हैं मार्केट में। पिछली बार सस्ते वाले लाए थे बेटा, इस बार महंगे वाले हैं। Promise. Promise बेटा, जाओ खेलो, जाओ जाओ जाओ, चलो। लेकिन भैया अब ये पकोड़े किसके लिए बना रहे हैं? अबे वो हम तुम्हारी भाभी माँ को सरप्राइज देंगे, ठीक है? जाओ। ये बात हमें कुछ हजम नहीं हो रही है भैया, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। जरूर पिछले जन्म में सीआईडी में रहा होगा। धूप निकली हुई है यार, अब होगी बारिश। हेलो भैया मौसम विभाग, भैया ये बताओ कि बारिश कब होगी? अबे जब होगी तब होगी। भैया ये क्या तरीका बात करने का, जब होगी तब होगी? तुम क्या वहां पे पकौड़े तल रहे हो बैठ के? पकौड़े तल लिया हूं। भैया कौन बोल रहा है तू? छेनू हलवाई। बस छेनू हलवाई, तेरे को रॉन्ग नंबर बोलने में तकलीफ होती है क्या? फोन रख। तू रख दे। ए? हेलो। हेलो मौसम विभाग। हाँ जी जनाब, जरा बताएंगे कि बारिश कब होगी यहाँ पे? नहीं होगी। नहीं होगी? आर यू श्योर नहीं होगी? इसका मतलब इस बार तो बारिश टूट के होगी, क्योंकि मौसम विभाग जो बोलता है ना उसका एकदम उल्टा होता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बारिश होगी, कमाल बारिश होगी इस बार तो यार। और भाभी जी के साथ रेन डांस करना मेरी जिंदगी का सबसे सबसे रोमांटिक मोमेंट होगा, और क्या पल होगा बाय गॉड। लेकिन यार बहुत दिन से डांस नहीं किया है, पैरों में जंग लग गया है, जरा डांस की प्रैक्टिस कर लो। फिसल जाइयो आज रपट, आहा आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। क्या हो रहा था? डांस हो रहा था। क्यों हो रहा था? बस यूं ही हो रहा था। यूं ही क्यों हो रहा था? कोई तो वजह होगी। बारिश आने वाली है ना, इसलिए हो रहा था। हाँ तो बारिश जब आती है तो मेंढक उछलते हैं।
तो मेंढक हो? एक्चुअली क्या है कि वो बारिश आने वाली है ना, तो मैंने कहा तुम्हारे साथ रेन डांस करूंगा इस बार टूट के. रियली? ऐसा सोच रहे थे तुम? बिल्कुल. तुम मेरे साथ रेन डांस करोगे? लेकिन तुम्हें तो पानी में भीगते ही सर्दी हो जाती है. डार्लिंग, तुम्हारे साथ रेन डांस करने के लिए सर्दी, जुकाम, खांसी सब मंजूर है मुझे. सच में? बिल्कुल सच में. चलो आओ विभू, तो डांस की प्रैक्टिस करते हैं. हसीना डरे डरे बाहों में सिमट गई, सीने से लिपट गई रे. तुझे तो आया मजा, तुझे तो सुझी हंसी, मेरी तो जान फंसी रे. जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के, आहा ओहो आहा ओहो. बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात जो सुलझाइयो तो. ये विभू कहाँ गया? अचानक से भाग गया? विभू? अरे विभू! और तिवारी जी, मजा लूट रहे हैं बरसात का है? ठंडक बढ़ गई है. हाँ, और कहाँ की सैर हो रही है? बस ऐसे ही. और आप ऐसे ही और हम यूं ही. भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी! अरे तिवारी जी, आप जी. कैसे हैं? अरे आपके हाथ में क्या है? भाभी जी, जल्दी से किचन में आइए, बारिश शुरू हो गई है. हम अपने हाथ से गर्मा गर्म पकौड़े तल कर आपको खिलाएंगे. आइए. सो स्वीट. स्वीट नहीं भाभी जी, चटपटे गर्मा गर्म पकौड़े. आइए आइए, जल्दी आइए आइए. अच्छा जी. भाभी जी, भाभी जी, मुझे कमाल कर रही हैं आप. बारिश आपको भिगाने के लिए बेताब हो रही है और आप मारा जप रही. लेट्स गो, लेट्स गो. मुझे कमाल, ये बाला बाद में जप सकती हैं आप. बारिश नहीं चली गई ना, यू नो, यू डोंट अंडरस्टैंड भाभी जी. भगवान अंडरस्टैंड, गॉड समझता है. कमाल, लेट्स गो. ओके गॉड, लेट्स गो, गुड गुड गुड, कमाल. बढ़िया मौसम है भाभी जी, अभी कुछ ही पलों में आपके लिए पेश होंगे गर्मा गर्म पकौड़े. ये तो पकौड़ों वाला मौसम है तिवारी. भाभी जी, भाभी जी, ते, ते, तेल का है? तेल तेल देखिए ना उस डब्बे में. अच्छा. भाभी जी, दो दो कर ली, दो दो, दो, दो. आराम से, टेक 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 इन टाइम, टेक इन टाइम. अभी चाहिए कानपुर है, कोई चेरा पूंजी नहीं कि पूरे दिन बारिश होती रहेगी. अभी हो रही है बारिश. कम ऑन, लेट्स गो. गॉड, भाभी जी, व्हाट डोंट यू अंडरस्टैंड? भाभी, वो लाइटर, ये लीजिए ना लाइटर. ये जल क्यों नहीं रहा है? गैस? गैस तो जलनी चाहिए. लाइए, देखिए मैं ट्राई करती हूँ. ओहो,
मुझे लगता है विभू गैस बुक करना भूल गया है, गैस खत्म हो गई है। रोहन गैस को भी अभी खत्म होना था, क्या करें? अरे कहाँ जा रहे हैं? वो सक्सेना की यहाँ से हम वो सिलेंडर लेकर आते हैं भाभी जी। अरे आप चिंता मत करो, बस हम आ रहे हैं। ये सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था, पर भभूतिया तू कुछ मत करियो, यहाँ भी नल्ला का नल्ला ही रही हो। कैसा नियम है भाभी जी, कोई नियम है ये? गॉड, बट ये क्लाउड से लग रहा है कि बारिश चलेगी, अभी एक आध घंटा चलेगी। भाभी जी आइए ना प्लीज, आई एम वेटिंग, रेन इज वेटिंग, कम ऑन। भाभी जी अरे तिवारी जी, जल्दी आइए, हम सिलेंडर ले आए हैं। अच्छा, आइए आइए, जल्दी ले आए, कमाल है। आइए आइए भाभी जी, आइए, बस चिंता मत करिए, सिलेंडर आ गया है, बस दो मिनट में आपके लिए तैयार करते हैं पकौड़े। चलिए चलिए, बढ़िया। आज भाभी जी के साथ रेन में डांस करके आज तो लाइव बन जाएगी, बाय गॉड। I'm just waiting. भाभी जी, come on, will you? I'm waiting here. Vibhuti, calm down, boy, calm down. Don't get hyper. ये बारिश चलेगी बेकार दिन, you know? Can't you see? It's raining cats and dogs. Cats and dogs, huh? Cats and. आपके लिए तैयार करते हैं पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। कोई फायदा नहीं है तिवारी जी, बारिश तो बंद हो गई है, पकोड़े खाने का सारा मूड ही चला गया, अब कोई फायदा नहीं है, इट्स अ वेस्ट। छोड़िए ना, रहने दीजिए। कहाँ चले कुत्ते बिल्ली? ए ए बारिश, ए यू जस्ट कांट डू दिस टू मी। हेलो हेलो, चलिए प्रभुति जी, चलिए चलिए चलिए, भीग तो हैं। अरे यार, अब कोई बात नहीं, बाद में वापस आ जाएगी। हम यहाँ पर हो रहे हैं, ये तो बहुत चिल्ड आउट दिख रही है। नेवर माइंड, दिस इज नॉट डन। तिवारी जी को पता तो नहीं चल गया कि मैं भाभी जी के साथ ट्रेन डांस करने की जुगाड़ में हूं। कहीं भभूति जी को शक तो नहीं हो गया कि हम भाभी जी को बरसात में पकौड़े खिलाने के जुगाड़ कर रहे हैं? इनको इतनी समझ का, एक नंबर के बैल हैं ये तो। नहीं, ये तो नल्ले हैं, इनका दिमाग भी इन्हीं की तरह नल्ला है, ये कहां इतनी सोचते होंगे। हेलो तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं, आप सुनाइए भभूति जी। मजिया, मजे में। इस बार बारिश नहीं हो रही है तिवारी जी, नहीं? हाँ, हम भी बस बारिश का इंतजार कर रहे हैं, और बादलों को पता नहीं क्या हो गया है, आते हैं और बस लघु शंका सी करके चले जाते हैं। तिवारी जी, एक शायर ने बड़ा कमाल कहा है कि इस बार सावन में ही शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ पूरे शहर में बरसात हुई। भाभी तरस गई है बरसात को, बरसात ही नहीं हो रही है भाई। मतलब आप अंगूरी को पका रहे थे?
जी पका नहीं रहा था बल्कि उन्हें पकौड़े पकाना सिखा रहा था। पकौड़े? ये पकौड़े पे आप पक 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 क्यों हो गए? भाभी जी मुझसे कह रही थी कि इस बार बरसात में वो लड्डू के भैया के लिए खास तौर से कुछ स्पेशल पकौड़े बनाना चाहती, तो मैं सिखा रहा था उनको पकौड़े बनाना। कमाल है, अंगूरी हमें पकौड़े खिलाना चाहती है और हम भाभी जी को पकौड़े खिलाने की फिराक में है। ये आप क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं सोच कुछ नहीं रहे। वैसे आप पकौड़े बनाना जानते हैं? जी हाँ, मुझे बड़े अच्छे पकौड़े बनाने आते हैं। अदरक का पकौड़ा, लहसुन का पकौड़ा, हरी मिर्च का पकौड़ा और हरे धनिया का पकौड़ा। आई एम द बेस्ट पकौड़ा मेकर इन टाउन राइट नाउ। जी कितने बड़े झूठे हैं ये भभूति जी। भाभी जी को बोल के रखा है कि इन्हें पकौड़े बनाने नहीं आते। चलो अच्छा है, वरना हमें भाभी जी को पकौड़े खिलाने का मौका कैसे मिलता। तिवारी जी ये बताइए कि आप अन्नू को क्या पका रहे थे अंदर? अरे हम भाभी जी को कहाँ पका रहे थे, हम तो आप ही के चर्चे कर रहे थे। मेरे चर्चे? बाय द वे पूछ सकता हूँ क्या चर्चा कर रहे थे आप? आपकी बेरोजगारी के चर्चे। हमने एक आइडिया दिया है भाभी जी को। क्या आइडिया दिया आपने उन्हें? यही कि आपको वो सब्जी का एक ठेला डलवा देते हैं, बस आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर सब्जी बेचिएगा। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, धंधा का धंधा और सैर सपाटा का सैर सपाटा। ये अपना ब्राइट आइडिया अपने पास ही रखिए, समझे आप? तो फिर रहिए नल्ले के नल्ले। दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस, ओके?